आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी ग्रामीण ई स्टोर के बारे में। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो 10,000 से भी ज्यादा पिन कोड तक अपनी पहुंच बना चुका है। ये एक ऑनलाइन स्टोर है, जैसे कि बिग बास्केट, ग्रोफर, जियो मार्ट से ऑनलाइन सामान खरीदा जाता है, वैसे ही सीएससी ग्रामीण ई स्टोर से भी ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। बिग बास्केट, ग्रोफर और जियो मार्ट जैसी कंपनीज बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन सीएससी ग्रामीण ई स्टोर की पहुंच गांव तक हो चुकी है और छोटे से छोटे गांव तक होने वाली है। इसमें तीन लोगों का रोल होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके साथ कंपनीज टाइप करती है और उसको सामान देती है। इसके बाद आता है VLE, यानी जिसके पास सीएससी आईडी है उसका रोल आता है। वो एक ई स्टोर बनाता है, ऑनलाइन स्टोर बनाता है और डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, ई स्टोर डिलीवरी ऐप, जिसको कोई भी डाउनलोड करेगा, कस्टमर इसको डाउनलोड करेगा और इसमें स्टोर फाइंड करेगा। VLE जो स्टोर्स बनाते हैं वो कस्टमर को इस एप्लीकेशन में शो होंगे और उन स्टोर में जो सामान ऐड किया हुआ होता है वो भी कस्टमर को शो होता है। तो कस्टमर वहां पर कोई भी सामान फाइंड करता है और ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डर VLE को मिल जाता है। VLE उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो उसको अप्रूव करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेकर के कस्टमर तक पहुंचा देगा और कस्टमर से पैसे ले लेगा। तो इसमें यहाँ पर अगर आप कस्टमर हैं तो आप सीएससी ग्रामीण ई स्टोर डिलीवरी ऐप डाउनलोड करेंगे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप ई स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर ऐप डाउनलोड करेंगे, और अगर आप सीएससी VLE हैं तो आप सीएससी ग्रामीण ई स्टोर VLE ऐप डाउनलोड करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप VLE हैं तो आप अपना स्टोर कैसे सेटअप करेंगे। स्टोर सेटअप करने के लिए या तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सीएससी ग्रामीण ई स्टोर VLE, या फिर आप इस वेबसाइट पर आएंगे csceestore.in। इसके बाद आप यहाँ VLE लॉगिन पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप योर ई स्टोर, तो आप यहाँ ई स्टोर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। इसमें यहाँ पर पहले आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपको अपने ई स्टोर का नाम डालना होगा, मतलब जिस नाम से भी आप अपना स्टोर बनाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर डालेंगे। यही नाम आपके आसपास के कस्टमर्स को शो होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईशान जनरल स्टोर। इसके बाद नीचे यहाँ पर फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, कंपनी, अपार्टमेंट का नेम डालेंगे। नीचे यहाँ पर एरिया, कॉलोनी, स्ट्रीट या सेक्टर का नेम डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर गांव, कस्बे या शहर का नाम डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप डालेंगे अपना पिन कोड। इसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे, सभी स्टेट आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। नीचे यहाँ पर अपने स्टोर के लिए आप एक पासवर्ड सेट कर लेंगे, जिसमें अपर लोअर कैरेक्टर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। इसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करेंगे तो दोबारा से आप यहां पर वही पासवर्ड डाल दीजिए, कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहां डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। टाइप यहां पर आप चूज कर लेंगे, आप स्टोर बनाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या आप दोनों बनना चाहते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो कंपनीज के साथ टाइप होगा, आपको कंपनी से सामान लेकर के VLE को देना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ ई स्टोर बनाएंगे तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे, और अगर आप बोथ चूज करेंगे तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर और VLE ई स्टोर दोनों बन सकते हैं। चलिए हम सिर्फ ई स्टोर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा अपना सीएससी आईडी, और अगर आपने फसाई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद है सेंसस कोड, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सेंसस कोड चाहिए तो आप अपने एरिया का गूगल में फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहां डालकर सबमिट करेंगे। मोबाइल नंबर आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहां पर पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने सेट किया था। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यूजर इज नॉट अप्रूव्ड, काइंडली कॉन्टेक्ट टू एडमिन, तो आपको वेट करना होगा अप्रूवल मिलने का। अगर आपको एक हफ्ते में भी अप्रूवल नहीं मिलता है तो आपको अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, आपको एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं और यहीं से आप डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी सामान लेने के लिए। और कोई भी कस्टमर जब आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो यहीं आपके पोर्टल में आपको शो होगा, यहीं से आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप अप्रूव करेंगे तो वो सामान आपको कस्टमर तक डिलीवर करना पड़ेगा। मोबाइल फोन पर यूज करने के लिए आपको VLE CSC ग्रामीण ई स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ओपन करेंगे, इसमें भी यहाँ पर आपको अपना स्टोर सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से भी अपना स्टोर बना सकते हैं, वरना इसमें आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अलर्ट आ गया है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, तो अभी आपको वेट करना होगा। जैसे ही आपका स्टोर अप्रूव हो जाएगा तो आप उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और बाकी सारी सेटिंग्स आप उसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कस्टमर की एप्लीकेशन भी है, CSC ग्रामीण ई स्टोर। कस्टमर इसको यहाँ पर इंस्टॉल करके ओपन करेगा तो यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसमें ई स्टोर लिस्ट पर क्लिक करेगा तो यहाँ से वो अपनी लोकेशन के हिसाब से अपने आसपास के सभी स्टोर्स को फाइंड कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिन कोड पर ये स्टोर शो हो रहा है, तो जब हम अपना स्टोर बना लेंगे तो हमारा स्टोर भी कस्टमर को इसी तरह से शो होगा और इसी तरीके से वो इस स्टोर पर क्लिक करेगा तो उसके सामने आइटम्स आ जाएंगे और यहाँ पर वो किसी भी आइटम को कार्ट में ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जिसके लिए उसको अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। सो इस तरीके से आप फ्री में अपना ई स्टोर बना सकते हैं और इससे भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसे ही हमारा स्टोर अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, कैसे आप उनका प्राइस सेट करेंगे और कैसे जब कस्टमर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे और कैसे आप उसका स्टेटस अपडेट करेंगे।